न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल है हमारा 2.4 QA is equal to 3 microcoulomb, QB is equal to minus 3 microcoulomb। वैक्यूम में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर स्थित हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यानी कि हमें किसी मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और सेकेंड पॉइंट कहता है यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम मैग्नीट्यूड का कोई नेगेटिव टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर रखा जाए तो ये टेस्ट चार्ज कितने बल का अनुभव करेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। कह रहे हैं कि टू पॉइंट चार्ज क्यू ए एंड क्यू बी कितनी डिस्टेंस पर है, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखें। तो माना मैंने क्यू ए चार्ज यहाँ पर है और इससे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज क्यू बी है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। क्यू ए की वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, 3 × 10⁻⁶ कूलम, एंड क्यू बी गिवन है −3 × 10⁻⁶ कूलम। अब कह रहे हैं इन दोनों के मिड पॉइंट पर, यानी कि मिड पॉइंट कहीं यहाँ होगा, मतलब 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस और यहाँ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो ये है कोई मिड पॉइंट O जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब इस पर QA के कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड QB के कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं पॉइंट O पर, पॉइंट O पर क्यू ए के कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ई वन इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू कितना हो जाएगा, क्यू ए, क्योंकि हम निकालना है क्यू ए के द्वारा, क्यू ए के कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ हो जाएगा ई वन इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर। क्यू ए की वैल्यू कितनी है, क्यू ए की वैल्यू गिवेन है 3 × 10⁻⁶ कूलम, और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ इंटू क्यू ए की वैल्यू है 3 × 10⁻⁶ अपॉन आर। आर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 0.1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ई वन कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 9 × 10⁹ × 3 × 10⁻⁶ अपॉन 0.1 × 0.1। पॉइंट और पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10⁻² आ जाएगी, तो यहाँ 10⁻² यानी कि बनेगा 9 × 27 × 10⁻⁹ (10⁻+2) यानी कि 10⁻११ और −6 यानी कि बचेगा कितना, 10⁻⁵। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना हो जाएगा, 27 × 10⁵। यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो ईवन हमारे पास कितना निकल के आ गया, ईवन निकल के आया 27 × 10⁵। इसी तरह से क्यू बी के कारण बनने वाला बिंदु ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पॉइंट ओ पर
क्यूबी के कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ई टू इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9×10⁻⁹। क्यू बी की वैल्यू दे रखी है −3×10⁻⁶ अपॉन, सॉरी ए डायरेक्शन के लिए नेगेटिव चार्ज है। 9×10⁻⁹ × 3×10⁻⁶। यहाँ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ ई टू की वैल्यू हो जाएगी 9×10⁻⁹ × 3×10⁻⁶ अपॉन में 0.1 × 0.1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, सॉरी पॉइंट पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10⁻² आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 9×3 = 27। 10⁻⁹ and 10⁻² दोनों पॉजिटिव हैं तो 10⁻११ हो जाएगा। और यहाँ 10⁻⁶ है, यानी कि 10⁻ कितनी बचेगी? 5। 10⁵। तो ये ई टू बन गया। क्यू बी के कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 27×10⁵5। तो यहाँ जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू E1 + E2। E1 कितना है? 27×10⁵5 प्लस E2 कितना है? 27×10⁵5। तो कुल इलेक्ट्रिक, कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? 27 और 27, यानी कि 54×10⁵5। E इज इक्वल टू 54×10⁵5। ये बिंदु ऊपर बनने वाला कुल वैद्युत क्षेत्र होगा। बिंदु ई पर बनने वाला कुल वैद्युत क्षेत्र कितना निकल कर आएगा? 54×10⁵5। या इसी को हम चाहे तो लिख सकते हैं E = 5.4×10⁵6। क्लियर? यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। यहाँ सेकेंड पॉइंट की बात की थी। सेकेंड पॉइंट में क्या कहा गया था? सेकेंड पॉइंट में कहा गया है यदि 1.5×10⁻⁹ कूलम मैग्नीट्यूड का कोई नेगेटिव टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर रखा जाए तो ये टेस्ट चार्ज कितने बल का अनुभव करेगा? तो ये कितने बल का अनुभव करेगा? यहाँ गिवन है सेकेंड पॉइंट क्यू इज इक्वल टू, दिया हुआ है कितना? 1.5×10⁻⁹ कूलम। निकालना क्या है हमें? फोर्स निकालना है क्या? एफ। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एफ इज इक्वल टू होता है क्यू ई, वेयर क्यू इज चार्ज एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी? 1.5×10⁻⁹ और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बना था हमारा 5.4×10⁻⁶। तो ये हो जाएगा 5.4×10⁻⁶। तो 4
फोर्स कितना होगा, इसकी 1.5 और 5.4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना निकल के आएगा, जीरो। एट वन जीरो और पॉइंट टू के बाद, यानी कि 8.10 इंटू 10 to the power 6, फोर प्लस की है और 9 माइनस की है, यानी कितना बचेगा, -3। तो फोर्स जो निकल के आएगा वो फोर्स कितना होगा, 8.10 इंटू 10 to the power -3 न्यूटन। तो बिंदु ओ पर हमने देखा कि कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया था, क्यू ए के कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यू बी के कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया था 5.4 इंटू 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पर अगर किसी अन्य टेस्ट चार्ज को रखा जाए तो वो टेस्ट चार्ज कितने फोर्स का अनुभव करेगा, तो फोर्स का अनुभव करेगा वो हमने कैलकुलेट किया था F = 8.10 × 10 to the power -3 न्यूटन।